हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है आलू टिक्की विद रगड़ा। चलो देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। आलू की टिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 उबले हुए आलू लिए हैं। ये मैंने सुबह बॉईल किए थे और शाम को मैं अभी बना रही हूँ। आप जब भी आलू की टिक्की बनाएंगे तो आलू आपके पूरे ठंडे होने चाहिए, गर्म आलू की टिक्की नहीं बनती है। उसी के साथ में 4 आलू के लिए मैं 2 बड़े चम्मच चावल का आटा लूँगी और 2 बड़े चम्मच में कॉर्नफ्लोर लूँगी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ मैंने एक आलू को ग्रेट करूँगी। अभी आलू को ग्रेट करके ही लेना है, आप स्मैश नहीं कर सकते टिक्की बनाने के लिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक डाल रही हूँ। दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, दो बड़े चम्मच चावल का आटा, एक बड़ा चम्मच ऑयल, इसका हमें स्टिफ डो लगा लेना है। इसको हल्के हाथ से मसलना है, आप प्रेशर देके मसलेंगे तो नमक से पानी हो जाएगा और फिर आपका आटा और गीला होता जाएगा। तो हल्के हाथ से इसको मिलाते जाइए। ये बिखर रहा है तो मुझे एक और चम्मच कॉर्नफ्लोर लगेगा। कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा डिपेंड्स करता है कि आलू कितना ज़्यादा बॉईल हो गया है, ये नया है या पुराना है। तो आप देखिए, मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि हमें डो कैसा चाहिए। हाँ, ये देखिए, अब बिखर नहीं रहा हमारा आलू, एक इकट्ठा हो रहा है। तो बस ऐसे ही हमारे ये डो होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक फ्राई पैन चढ़ाया है, ये लोहे का है, एक अच्छे से सीजन हो चुका है ये फ्राई पैन। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप नॉन स्टिक लीजिएगा। अब मैं साथ में टिक्की बनाती हूँ। टिक्की हमारी रेडी है। अब मैं हॉट पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के टिक्कियों को फ्राई करूँगी। बस इतना ही। टिक्की फ्राई करते समय पैन को अच्छे से हॉट कीजिएगा, ठंडे पैन में टिक्कियाँ चिपक जाती है। टिक्कियों को मीडियम फ्लेम पे पकने दीजिए, ये अपने आप ये हिलेगी टिक्कियाँ। देखिए, अपने आप प्लेस छोड़ रही है। इसको इसका साइन क्या है नीचे से पकने का, तो आप थोड़ा सा फोक से देखेंगे नीचे इसकी ओर से अच्छे से ब्राउन हो गई है। टिक्कियों के पलटने की बारी आ गई है। टिक्कियाँ अभी दोनों तरफ से अच्छे से पक गई है हमारी। मैं इसको निकालूंगी नहीं, साइड कर दूंगी और बाकी दूसरी टिक्कियों को पकने के लिए छोड़ दूंगी। साइड की हुई टिक्कियों को मैं निकाल लेती हूँ। सर्विंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है इमली की मीठी चटनी, टमाटर, प्याज, दही और ये रगड़ा लिया है मैंने। ये सफ़ेद मटर है, सफ़ेद मटर को मैंने हल्दी नमक के साथ बॉईल किया है। मैंने सुबह भिगो के दिए थे मटर को और शाम को मैंने इसमें नमक, हल्दी और खाने का मीठा सोडा मिला के इसको बॉईल किया है। साथ में मैं हरी चटनी करूँगी और नमक, काला नमक,
धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर। चलो हम सर्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? आज की रेसिपी थी आलू टिक्की विद रगड़ा। अगर रेसिपी पसंद आती है तो जरूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। बाय।